रउआ सबे के राम राम। ये महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की धरती है। यहां आकर मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहां से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहां से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों और भाइयों, क्या हालात हैं देश के? कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही हैं क्या? प्रदेश की और केंद्र की किसके लिए चल रही हैं? आप यहां सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। यह सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं? मोदी जी के लब से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? समय आ गया है। आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। महंगाई है। आज गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? आज आप दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो खाली हाथ वापस आते हैं कि नहीं? चारों तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है, महंगाई। 3 महीनों से प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? ये मोदी जी एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं। किसानों के कितने संकट हैं आज, हर चीज को महंगा कर दिया है। खेती से कमाई नहीं हो रही है, कर्ज लेता है किसान, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है। लेकिन जब कर्ज माफी की बात होती है तो मोदी जी से आप सुनते हैं ये शब्द, कर्ज माफी की बातें सुनते हैं? मोदी जी के मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलते। तो क्या निकल रहा है आजकल मोदी जी की जबान से? आज आपने मोदी जी का भाषण सुना? बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यहां पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रही ना भेद न कहिना, बोली वा अमृत वाणी, अगिला अग्नि हा होए वे हे अवधू तो अपना होए वा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने, कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे।
देखिए प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है, परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी, ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान हैं, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहां मेरे निषाद भाई परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बातें हम करते हैं, हम सिर्फ यही बातें करते हैं जिससे आपका मतलब है। हम चुनाव में प्रचार करने आते हैं तो हम बताते हैं कि हम बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे। हम फिजूल की बातें नहीं करते, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें नहीं करते। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1,00,000 रुपए सालाना आप बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में। आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे जिससे आप अपने कारोबार शुरू कर पाएंगे। मेरे किसान भाइयों के लिए किसान और खेती के सारे सामानों से जीएसटी हटाएंगे, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे जिससे जब जब आप संकट में होंगे आप उसकी सुविधा उठा पाएंगे। आज आपका खेतों का नुकसान होता है, आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिलवाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे, जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन है उनकी फीस रद्द कर देंगे, निशुल्क आवेदन होंगे। पढ़ाई के लिए आप कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज माफ किए जाएंगे। श्रमिकों के लिए दिहाड़ी 400 रुपए से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको। किसानों के लिए हम कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। मेरे निषाद भाइयों की यहां बड़ी संकटे हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए हम बीमा लाएंगे, एक पहचान पत्र आएगा,
और आपके लिए खास बीमे की स्कीम आएगी, आपके अधिकारों को हम मजबूत करेंगे। यहाँ कुशीनगर में 10 में से 6 चीनी मिलें बंद हुई, कप्तानगंज का मिल बंद हुआ, लक्ष्मीगंज का मिल बंद हुआ, रामकोला का मिल बंद हुआ, पडरौना का मिल बंद हुआ, कटकुइया का मिल बंद हुआ, चितौनी का मिल बंद हुआ। ये है भाजपा की सरकार आपके लिए। जहां जहां व्यापार है, जहां रोजगार है, जहां सरकारी कारखाने हैं, जहां आपके लिए सुविधा है, वो सब ठप करने का काम किया है। सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, यहाँ के बुनकरों के लिए एक रुपया माफ नहीं होता, एक स्कीम नहीं आती। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, छुट्टे जानवर से घिरे हुए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके स्थानीय कारोबार सब संकट में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई, और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आपका अधिकार है, जिसके जरिए आप 1 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं, ये अधिकार सबसे मजबूत, सबसे शक्ति से भरा हुआ अधिकार है आपका। संविधान बदलने की बात यह है कि ये अधिकार भी कमजोर हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। ये तमाम नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा, ये हमारी गारंटी है। और आप सबने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी है, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती, क्योंकि आप अखिलेश जी का भी इंतजार कर रहे हैं, धूप बहुत है। ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे, पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये। इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए, और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी,
एक बार जोर से मेरे साथ कहिए जय हिंद। एक और बार जय हिंद। एक और बार। और अब अखिलेश जी अपना भाषण कर